हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ऑल ऑफ यू फाइन? ओके, वंस अगेन आई एम हियर टू यू विथ गोकुलदास पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो विच पीरियड इज टुडे? आज कौन सा पीरियड है? हिंदी का। यस, टुडे इज हिंदी पीरियड। और आज हम हिंदी में क्या क्या सीखेंगे? हमने जो वर्णमाला के अक्षर सीखे हैं, त थ द ध न, है ना। त वर्णमाला के जो हमने अक्षर सीखे हैं, त थ द ध न, उनसे रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सभी रेडी हैं? आपने त से लेकर के न अक्षर तक के वीडियोस देखे हैं? आप सभी को सभी वर्णों के अक्षर के वीडियोस देखने हैं, नहीं तो आपको उन अक्षरों से रिलेटेड चित्रों के बारे में और उन अक्षरों वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में कैसे पता चलेगा? तो आपको हर वर्ण के अक्षर का वीडियो देखना है और उससे जो भी इतनी सारी पिक्चर्स बताते हैं, एटलीस्ट उसे एक या दो बार तो दोहराना है, ताकि आपको उस वर्ण का, उस अक्षर का अच्छे से ज्ञान हो जाए। तो बच्चों, हमने त वर्ण में वर्णमाला, जो हमने त वर्णमाला पढ़ी थी, उसमें कौन कौन से अक्षर थे? त, ये त अक्षर से शुरू हो रही थी त वर्णमाला की लाइन। त, थ, द, है ना, त, थ, द, ध, और अंत में था न। त, थ, द, ध, न, और इसी क्रम को हम आज फिर से दोहराएंगे। त से तराजू, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष और न से नल। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो इन वर्णों से, जिनके नाम इन वर्णों से शुरू होते हैं, जो हम हमारे डेली रूटीन में, दिनचर्या में बोलते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आज इनसे रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज बनाई है, वर्कशीट्स बनाई हैं, तो आपको मेरे साथ इन्हें सॉल्व करना है। इससे आपका रिवीजन भी होगा। सीहिया ऑन द बोर्ड, पहला है, चित्र देख कर सही वर्ण पर गोला बनाओ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? चित्र देख कर सही वर्ण पर गोला बनाओ, में सर्कल बनाओ। तो पहले आपको क्या करना है? चित्र देखना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, ये कौन सा चित्र है? नल का, है ना। पहले हमें चित्र देखना है और उस, जो उस चित्र से शुरू होता है वर्ण, जिस वर्ण से वो चित्र का नाम शुरू होता है, हमें उस वर्ण के ऊपर क्या बनाना है? सर्कल बनाना है, उस अक्षर के ऊपर गोला बनाना है। तो बच्चों, ये कौन सा पिक्चर है? ये पिक्चर है नल का। किसका पिक्चर है ये? नल का। किसका चित्र है? नल का। अब क्या नल, न, ल, आप बोलिए मेरे साथ, नल। तो नल क्या प से शुरू होता है? ये कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्ण है? प। तो क्या नल प से शुरू होता है? नहीं, है ना। नल को क्या हम पल बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, तो नल बोलते हैं, न, ल, नल। तो न, ये प अक्षर है, और फिर ये कौन सा अक्षर है? न, न से नल, न से नल। तो हमें न वर्ण पर क्या बनाना है? गोला बनाना है, मीन्स सर्कल बनाना है। तो इसे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसी तरीके से करेंगे कि अगर नल का पिक्चर बना है, तो आप जैसे ही बोलेंगे न, ल, तो क्या उच्चारण हुआ? न। तो ये न अक्षर पर आपको सर्कल बनाना है। अब ये किसका पिक्चर है? ध से धनुष, धनुष, ध, ध, तो ध से धनुष, ध से धनुष। अब ये कौन सा वर्ण है? ध, ध। वर्णों की पहचान आपको अच्छे से करनी है, इसीलिए एक वर्ण से इतने सारे चित्र देते हैं
और मैम उनके सामने उनके नाम भी लिखते हैं कि आप जब वो चित्रों को पढ़े तो उसका उच्चारण, उस वर्ण का उच्चारण आप बार बार करें। तो ध ध, ये कौन सा वर्ण है? ध ध। और ये कौन सा वर्ण है? क क। तो हमें किसका सर्कल बनाना है? ये क्या पिक्चर है, किसका चित्र है? ये धनुष। तो धनुष ध से शुरू होता है, न कि क से शुरू होता है। किससे शुरू होता है धनुष? ध से। तो हमें ध वर्ण पर गोला बनाना है, ठीक है बच्चों? उसके बाद में इस चित्र को पहचानिए, किसका चित्र है? दरवाजा। या वेरी गुड। ये कौन सा चित्र है? दरवाजे का चित्र है। तो दरवाजा, द र वा जा, दरवाजा, दरवाजा द। अब ये किस, कौन सा वर्ण लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए इसे। ये है री ऋषि का। ये क्या है? री ऋषि का। तो क्या ऋषि का से द से दरवाजा शुरू होता है? नहीं, ऋषिका से ऋतु, ऋचा, रिया, ये नाम शुरू होते हैं, ऋषि। अब ये तो दरवाजा है। अब पास वाले वर्ण को देखते हैं, ये क्या लिखा है? द, द, द से दरवाजा, द से दरवाजा। हाँ, तो दरवाजा शब्द बोलने में द अक्षर का उच्चारण हो रहा है, द वर्ण का उच्चारण हो रहा है। तो हम किस पे गोला बनाएंगे? द, द पर गोला बनाएंगे, है ना? नेक्स्ट, ये किसका चित्र है? तरबूज, तरबूज। अब तरबूज त, त। अब तरबूज त, और ये कौन सा वर्ण है? ख, ख। तो तरबूज त से शुरू होता है, ख से शुरू होता है? खरबूज ख से शुरू होता है। ये तो तरबूज है, तो त, त, है ना? तो त से तरबूज, त से तरबूज। तो अक्षर त कहाँ लिखा है? ये रहा, और ये अक्षर ख। तो हमें किस पे बनाना है? तरबूज त पे बनाना है सर्कल, ठीक है? ओके। तो इस तरीके से आपको चित्र देखकर सही वर्ण पर गोला बनाना है। इससे क्या होगा कि आपको वर्णों की पहचान हो जाएगी जब आप बार बार वर्णों का उच्चारण करेंगे तो। और दूसरा ये है कि आपको इससे चित्रों का भी अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, है ना? अब दूसरा है, समान अक्षर से मिलाओ। अरे ये तो बहुत इजी है ना, इसको तो करने में आप फटाफट ओनली वन मिनट में कंप्लीट कर देते हो। गुड, वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो पर पहले, हर एक्सरसाइज को करने से पहले आपको उसे रीड करना है। क्या करना है आपको? उसे रीड करना है। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। और इधर क्या लिखा है? द, त, थ, न, ध। तो बच्चों हमें क्या करना है? समान अक्षर से अक्षर को मिलाओ। समान अक्षर जो एक जैसे दिखाई देते हो। अब ये क्या है? त। वैसा ही त दिख रहा है यहाँ पे आपको कहीं? ये है त? नहीं, ये है ना? वेरी गुड। तो हमको इस त से इस त को मैचिंग करना है ना? फिर है थ, थ, थ। अब यहाँ आपको थ दिखाई दे रहा है इस वर्णमाला में, इस लाइन में, पंक्ति में कहीं? ये द है और ये है थ, 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 थ। ये दोनों समान अक्षर हैं, तो हमें इस थ से इस थ को मिलाना है, मिलान करना है। गुड। फिर हमारा अगला है वर्ण द, 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 है ना? तो द, और दूसरा वर्ण द कहाँ है? ये रहा, है ना? तो इस द से इस द को मिलाना है, ठीक है? फिर है हमारा अगला वर्ण ध, ध। क्या ये ध है? नहीं, ये ध है? हाँ। तो हमें
इस ध से इस ध को मिलाना है, ठीक है। फिर है हमारा अगला वर्ण न, 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 और दूसरा न कहा है, ये रहा, तो हमें इस न से इस न को मिलाना है। इससे आप वर्णों की सही पहचान करना सीख लेंगे कि ये न है और ये भी न है, है ना। और आपको बार बार उच्चारण करना है, बार बार मैम एक ही बात दोहराते हैं कि आपको अगर लेटर्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया तो जब आप एलकेजी में जाओगे तब आपको दो अक्षर के शब्द, तीन अक्षरों के शब्द और रिटर्न में लिखने को आएगा। अब अगर आपसे मैम ने बोल दिया कि लिखिए अ से अनार का, जब तक आपको पता नहीं होगा कि अक्षर दिखता कैसे, आप लिख पाएंगे नहीं ना। तो आपको वर्णों की पहचान करनी है, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए, अक्षर देखकर सही चित्र में रंग भरो। यस, कलरिंग, यू लाइक कलरिंग, है ना। हाँ, आपको कलरिंग करना पसंद है ना, ड्राइंग, कलर्स फील करना। यस, वेरी गुड। तो अभी यहाँ आपको ड्राइंग करनी है, कलर करना है, मम्मा से चित्र बनवाना है, ड्राइंग बनानी है। मम्मा परेशान हो जाते हैं ना ड्राइंग बना बना के, मैम कितनी सारी ड्राइंग देते हैं। ध, है ना, ध, ध, ध से क्या होता है, ये अक्षर ध है। ध से क्या पतंग होता है? नहीं, ध से पतंग होता है नहीं। फिर ये किसका चित्र बना है? ये तो नोट की गलती है। हाँ, ये तो पैसे हैं, ये भी पैसे हैं, ये रुपए हैं, ये पैसे हैं, है ना। और देखो ये तो 2000 रुपीज की नोट है, पिंक कलर की। हाँ, है ना। तो ध से होता है पैसे, मीन्स धन, ध से धन। तो हमें किसमें कलर करना है? आपको ध से धन में कलर करना है। तो आपको ऐसे कर कर इसमें कलर करना है, ठीक है बच्चों। किसमें कलर करना है? ध से धन, धन में कलर करना है, ये तो पता नहीं है। और ध से धन शब्द की शुरुआत होती है, इस धन में कलर करना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेटर है थ, थ, थ से ये क्या है? बॉटल है, बॉटल मीन्स थर्मस। थ से थर्मस, थ से झंडा, झंडा होता है थ से? नहीं, थ से होता है थर्मस। थ से क्या होता है? थर्मस। तो इस थर्मस के चित्र को आपको क्या करना है? कलर, वेरी गुड। इसे आपको इस तरीके से अच्छा सुंदर सा कलर करना है, ठीक है बच्चों। हमने किसमें कलर किया? थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस, ऐसे बोल करके आपको इसे कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, त, त, त से ये किसका पिक्चर है? कान। त से कान होता है? नहीं, त से ओ तितली, वाओ कलरफुल बटरफ्लाई, तितली। त से तितली, जब हम तितली शब्द बोलते हैं तो त का उच्चारण होता है, तो हमें त से कान में कलर नहीं करना है, तितली में कलर करना है ना। किसमें कलर करना है हमें? त से तितली में। तो आपको ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कलर करना है तितली में, ओके, इस तरीके से, ओके। फिर नेक्स्ट, द, 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 द से ओ दांत, है ना, दांत। द से घर, द से घर होता है? नहीं, द से घर नहीं होता है, द से क्या होता है? दांत, दांत में स्थित, द से दांत। हाँ, तो द से दांत व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं टीथ हमारे? व्हाइट कलर के। दांत सफेद कलर के होते हैं, है ना। तो द से यहाँ दांत में भी कलर करना है, इसके लिप्स में आप कलर कर सकते हो और टीथ में भी व्हाइट कलर कर सकते हो आप, है ना। फिर है नेक्स्ट,
आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, द से दांत, न, न से गमला, न से गमला होता है नहीं, ग से गमला होता है, न, न से क्या होता है, न से, ओ वाओ नारियल, हाँ, न से नारियल, न से नारियल, तो हमें किसमें कलर करना है, नारियल में कलर करना है, ब्राउन कलर, है ना। तो आपको इस तरीके से इस नारियल में कलर करना है, गुड, वेरी गुड। तो न से नारियल, फिर से एक बार इसे दोहराएंगे, ध से धन, थ से थर्मस, त से तितली, द से दांत, न से नारियल, है ना बच्चों। इसीलिए मैम ने आपको इतनी सारी चीजें बनाई हैं कि जब आप उच्चारण करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो आपको वर्णों का ज्ञान अच्छे से हो जाएगा। ओके बच्चों, तो बार बार इन चित्रों को दोहराएं, बार बार इन वर्णों को दोहराएं, अपनी फिंगर रखती इन्हें रीड करें और अच्छे से स्टडीज करें, बिकॉज एग्जाम्स इज कमिंग, है ना। धीरे से अभी आपके एनुअल एग्जाम आएगी, तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, फिर बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, हमको इतना सारा लेंदी हो जाएगा। सो डू प्रैक्टिस एट योर होम, ओके। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से इन चित्रों को करना है, अपनी हिंदी नोटबुक में पहले डेट डालिएगा, डे लिखिएगा, उसके बाद में ये वर्क करना है, ओके बच्चों। आई होप आपको ये से लेकर के न वर्णमाला तक के सभी शब्दों का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।